तो यहाँ हम लोग जो है दर्शन के लिए मैं और राहुल आए हुए हैं। अब पीछे का एरिया है और ये भालू वाला एरिया है, इस पे जो है भालू आता है। बस भालुओं की कमी हो गई यहाँ पे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी हम है जलप में और जा रहे हैं चंडी मंदिर जो है दर्शन के लिए, और अभी जलप पहुँचे हैं। आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं, मेन रोड है, ये जलप है। अभी जलप पहुँचे हैं और अभी कुछ देर बाद बाघ बार से फिर जाएंगे चंडी मंदिर। और चलिए फिर बने रहिए इस वीडियो में और दिखाता हूँ आपको चंडी मंदिर और कैसे जा सकते हैं, ये भी आपको जो है बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले जो है झलप पहुंचना पड़ेगा, झलप से बाघ बहारा। तो चलिए फिर चलते हैं और आगे आपको कंटिन्यू जो है बताता हूँ। चंडी मंदिर जाने के लिए आपको पहले जो है झलप आना पड़ेगा। मेन रोड में ही जो है झलप सिटी पड़ता है, तो झलप से बाघ बहारा के लिए झलप 20 सिटी से जो है रोड गया है। तो आप वहाँ से बाघ बहारा जाएंगे, बाघ बारा के बीच से फिर जो है बाघ चंडी माता मंदिर के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है माता मंदिर, चंडी माता मंदिर आपका समिति है, आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो यहीं से आप जो है एंटर कर लेंगे और आगे जैसे ही जो है जाते जाएंगे आपको जो फाटक मिलेगा। भाग गया बाघ बाहर, उसके बाद आगे जाएंगे तो आप आगे एक और आपको जो है गेट मिल जाएगा जहाँ पे और जो है लिखा होगा। तो हम अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं चंडी मंदिर और आपने देखा यहाँ का नज़ारा, आपको दिखा देता हूँ। सो अभी जो है चंडी मंदिर पहुंच चुके हैं और इधर जो है मेन रोड जाने का रास्ता इधर ही से आए हैं हम लोग, और बाइक यहाँ पे हमने पार्किंग कर दी है। वैसे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कुछ खास दिन नहीं है यहाँ का, और आसपास दुकानें लगी हुई हैं। चल रहे हैं और काफ़ी ढलान है, ये आप देख सकते हैं ये नीचे, और शायद ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और चंडी मंदिर जो है भालुओं के नाम से ज़्यादा जो है फेमस है, यहाँ भालू आते हैं जो है जंगल से प्रसाद वगैरह खाने के लिए। तो लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं भालुओं को जो है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, शायद हमको देखने को नहीं मिलेगा लगता है। रोज भालू आते हैं यहाँ पर जो है लिखा गया है, रोज भालू आते यहाँ, भालू आते यहाँ पर। जूता निकाल देते हैं, तो ये रहा मेन मंदिर, और चलिए ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं फिर।
और इधर साइड में ये मंदिर, उसके बाद साइड में जो है परिक्रमा के लिए बनाया गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे पाल में मतलब पीछे पाल अधिकारी हाँ मोर मध्य। और ये बहुत सारे नारियल जो है बांध दिए हैं भक्त लोग श्रद्धा अनुसार, और इस प्रकार आप जो है परिक्रमा कर सकते हैं। और आप अगर नारियल जो है लिए होंगे तो यहाँ पे बांध भी सकते हैं। और यहाँ पे ये दिखाया गया है 1970 में कुछ ऐसा जो है हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो ऐसा था जो मूर्ति और मंदिर, और अभी जाके कुछ ऐसा भव्य बन गया है जैसा कि आपने देखा। और सामने हमको गुफा दिखाई दे रहा है, चलो ना तो चलिए अंदर गुफा में चलते हैं, माँ काली का गुफा लिखा है, चलिए फिर। यहाँ पे काली माता जी की मूर्ति स्थापना की, और यहाँ पर वाकई में ये गुफा पत्थर के बीच जो है ये बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इधर को सीमेंट का दीवार बना दिया है, और इधर पूरा ये आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर है। पीछे का एरिया है और ये भालू वाला एरिया है, इसी मतलब यहीं पे जो है भालू आता है, और यहाँ पे नारियल वगैरह भालू को देते हैं, और इसीलिए इसको जो है अलग से घेर दिया गया है क्योंकि जंगल है पहाड़ वगैरह, तो भालू इधर ही से आते हैं और जाके यहाँ पे जो भी देते हैं वो खाते हैं प्रसाद वगैरह। हम लोगों ने जो है कंप्लीट दर्शन कर लिया यहाँ से वहाँ तक जितना भी था आपको जो है बता दिया, और बहुत सारे जो है छोटे छोटे कुछ कुछ बने हुए हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं ये भवन है जिसमें जो है ज्योत वगैरह जलाया जाता है नवरात्रि के टाइम, और इधर आसपास जो है इधर पेयजल की व्यवस्था है, और काफ़ी सुंदर है यहाँ पर जगह। और सामने मंदिर है फ्रंट में, ये मेन मंदिर है घुचापाली बाग बहारा, और ज़मीन से काफ़ी ऊपर जो है पहाड़ में ये मंदिर बना हुआ है पहाड़ में। और आज कुछ नहीं है, फिर भी जो है काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। और धूप भी काफ़ी जो है कर रहा है, और बस भालुओं की कमी हो गई यहाँ पे। भालू जो है उसका कोई टाइम टेबल एकदम फिक्स नहीं है, लगभग वो शाम के टाइम को आते हैं, और वही हम लोग को देखने को नहीं मिला, काफ़ी थोड़ा अफसोस हो रहा है, उसको देखते ज़्यादा अच्छा रहता है। बस चंडी मंदिर और हमारा दर्शन पूरा हो गया है, अब चलेंगे घर की ओर, और हम नीचे जो है उतर रहे हैं। फिर नीचे में बहुत सारी और दुकानें लगी हुई हैं, आप यहाँ से कुछ कुछ खरीद भी सकते हैं।